Hello and welcome back to our channel Realty 360 Degree. This is your host cum property advisor Jolly Yadav. And guys, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ सेक्टर 2 नोएडा एक्सटेंशन की एक प्राइम लोकेशन पर, एक प्राइम प्रॉपर्टी पर. Today we are here at Eros Sampurnam, जिसका फेज 3 हाल ही में लॉन्च हुआ है. एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए ये नया न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ. सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बता देती हूँ, साइट दिखा देती हूँ. दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ Eros Sampurnam फेज 3. आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों पहले इसका रेरा रिसीव हुआ है एंड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हो चुका है, डिगिंग का काम शुरू हो चुका है. एंड गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक एक डिटेल देने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. शुरुआत करते हैं लोकेशन से. एंड दिस प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड बैंग ऑन 130 मीटर वाइड सेक्टर रोड, सीआरसी जॉयस के बिल्कुल ऑपोजिट की ये लोकेशन रहेगी. Eros Sampurnam 1 इज डिलीवर्ड, एक रेनाउंड सोसाइटी है इस सेक्टर की. एंड आप ये मेरे पीछे से रोड देख सकते हैं, ये रोड आपका इस तरफ एक मूर्ति एंड गॉड चौक की तरफ जाता है, जो कि यहाँ से 5 से 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेंगे. एंड दिस रोड लीड्स यू टू सेंट्रल नोएडा, जो कि यहाँ से आपका 5 मिनट के दूरी पर है. प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन इज एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दिस लोकेशन. एंड गाइज, अगर मैं नियर बाय हॉटस्पॉट्स एंड प्लेसेस की बात करती हूँ, तो आप सबसे पहले ये सेक्टर देखिए. ये आपका फुली डेवलप्ड सेक्टर है, रिनाउंड सोसाइटीज यहाँ पर है, मल्टीपल सोसाइटीज यहाँ पर है. The people are already living here. Social infrastructure is on place. सब कुछ यहाँ पर ready है. There's abundance of greenery. There's abundance of open areas. Schools की भी मैं बात करती हूँ तो 5 से 6 schools यहाँ पर आपको operational मिल जाते हैं. These are the schools that are at a distance of 5 to 7 minutes from this location. So location is just amazing. And guys, that was a little intro of this property. अब मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेकर चलती हूँ एंड इस प्रोजेक्ट का हम साथ में टूर करेंगे. गाइस, नाउ आई एम इनसाइड द प्रोजेक्ट Eros Sampurnam एंड नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट दिस प्रोजेक्ट. लोकेशन से आप अवेयर हो ही चुके हैं. गाइस, Eros ग्रुप ने नोएडा एक्सटेंशन में 25 एकड़ का लैंड पार्सल खरीदा था, जिसमें बिल्डर ने 3 फेजेस में इस प्रोजेक्ट को बनाया है. फेज 1 की हम बात करें तो ये 12.5 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलप हुआ था एंड इसे बिल्डर सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं. ये पूरा प्रोजेक्ट आपका ऑक्यूपाइड एंड डिलीवर्ड है. इसमें रेसिडेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं. काफी ब्यूटीफुल सोसाइटी है ये सेक्टर 2 नोएडा एक्सटेंशन की. फेज 1 को डिलीवर करने के बाद बिल्डर ने फेज 2 लॉन्च किया था, जिसे कि 6.25 एकर्स के एरिया में बनाया था. एंड फिलहाल आप मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये टावर्स देख रहे हैं, ये फेज 2 का पार्ट है, जो कि आपका नियर टू पोजेशन सेगमेंट में है. एंड गाइस, फेज 2 में भी यूनिट्स सोल्ड आउट हो चुकी हैं. देयर आर हार्डली एनी यूनिट्स लेफ्ट. मुश्किल से यहाँ पे 3 से 4 यूनिट्स आपको मिल जाएंगी, वो भी स्मॉल साइजेस में. 2 BHK की शायद आपको कोई यूनिट यहाँ पर मिल जाए, बट अदरवाइज ये प्रोजेक्ट भी आपका कम्प्लीटली सोल्ड आउट है. बट इन दिस वीडियो गाइज, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दी फेज 3 ऑफ Eros Sampurnam, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है. 3 से 4 दिन पहले इसका रेरा रिसीव हुआ है एंड आज की इस वीडियो में हम इसी फेज को कवर करने वाले हैं. ये फेज 3 आपका 6.25 एकर्स के एरिया में डेवलप होगा एंड यहाँ पर आपके 11 टावर्स रहेंगे, जो कि आपके G+15 के टावर हाइट के कॉन्सेप्ट के साथ रहेंगे. प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK, 2+ study, 3 BHK, 3+ servant एंड 4 BHK अपार्टमेंट मिलने वाले हैं. एंड यहाँ पर आपके पास साइजेस में भी काफी वेरिएशन है. साइजेस आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं पार्किंग की बात करती हूँ, तो पार्किंग आपकी कम्प्लीटली बेसमेंट में रहेगी. फुली गेटेड सोसाइटी रहेगी, जिसमें आपको मल्टी लेयर सिक्योरिटी मिल जाएगी. 3 tier यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी रहेगी. ग्रीन एरियाज की मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट में आपको लगभग 3-3.5 एकड़ के एरिया में आपको सिर्फ ग्रीनरी एंड ओपननेस मिलेगी. सो काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली ये प्रोजेक्ट है. इनके इनफैक्ट अगर मैं दोनों प्रोजेक्ट्स की बात करती हूँ, फेज 1 एंड फेज 2 की भी बात करती हूँ,
कोकून की ग्लिम्स आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारे प्रोजेक्ट्स हैं। अबंडेंस ऑफ ग्रीनरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ट्रीज काफी सारे हैं, काफी सारी ग्रीनरी यहाँ पर प्लांट हो रखी है, तो आप फेज थ्री से भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। फेज थ्री भी आपका काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट आपका SBI से अप्रूव हो चुका है। यस, न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है, SBI से अप्रूव हो चुका है। साथ ही साथ आप सभी रिनाउंड बैंक से भी यहाँ पर लोन ले सकते हैं। सो गाइस, दैट वाज अबाउट द प्रोजेक्ट। अब मैंने आपको अमेनिटीज के बारे में भी बता दिया है, बट एक और बहुत ही अच्छी बात ये है कि फेज थ्री फिलहाल कंस्ट्रक्शन अभी शुरू ही हुई है, डिगिंग का काम शुरू ही हुआ है, बट यहाँ का क्लब हाउस रेडी हो चुका है। तो मैं आपको एक क्लब हाउस दिखाऊंगी, उसके बाद फेज टू के जो सैंपल्स यहाँ पर रेडी हो रखे हैं, जो अपार्टमेंट्स रेडी हो रखे हैं, उनकी भी मैं आपको टूर कराऊंगी, क्योंकि साइजेस आपके सेम ही हैं, तो उनके हम एक्चुअल फ्लैट्स यहाँ पर देखेंगे, ताकि आप एक आइडिया ले सकते हैं कि जो आपका फेज थ्री रहेगा उसमें आपको किस तरीके के अपार्टमेंट्स मिलने वाले हैं, क्या उनका लेआउट रहेगा। तो सबसे पहले हम क्लब हाउस को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ के एक्चुअल अपार्टमेंट। एंड गाइस, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हीरोज संपूर्णम, द क्लब हाउस। आप इसका एलिवेशन देखिए, दिस इज अ वेरी लग्जरी क्लब हाउस ऑफ हीरोज संपूर्णम दैट इज बिल्ट इन 47,000 स्क्वायर फीट एरिया एंड हैज ऑल द लग्जरी अमेनिटीज फॉर यू। आप बाहर से तो इसे देख ही चुके हैं, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ क्लब हाउस के अंदर एंड हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे इसकी एक्सक्लूसिव अमेनिटीज। कम ऑन विद मी। गाइस, दिस इज द ग्राउंड लेवल ऑफ क्लब हाउस। यहाँ पर आपका रहेगा रिसेप्शन एरिया एंड वेटिंग एरिया। फर्दर अगर आप इस तरफ चलते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में दिस इज योर इंडोर गेम स्पेस। आप इस रूम में आ जाएंगे, आपके बिलियर्ड्स, स्नूकर्स एंड हियर इज योर किड्स क्रश एरिया। विद दैट इसी लेवल पर आपको सीनियर सिटीजन एरिया भी मिल जाता है। फिलहाल क्लब हाउस में सारे इक्विपमेंट्स अभी फिक्स नहीं किए गए हैं, सारी चीजें अभी रही नहीं है, बट विद इन फ्यू मंथ्स ये क्लब हाउस आपका ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो आप देख सकते हैं, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, फिनिशिंग इज डन, इंटीरियर इज डन, बस कुछ चीजें आना बाकी है and within few months ये operational भी हो जाएगा। With that was not all about ground level। यहाँ पर आपको एक banquet hall भी मिल जाता है। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ banquet hall। स्विमिंग पूल्स, यहाँ पर आपको किड्स पूल एंड एडल्ट पूल दोनों सेपरेट मिल जाते हैं। That is for the kids and इसी के adjoining आप देख सकते हैं। This is your adult pool. Half Olympic size में आपको ये बहुत ही huge स्विमिंग पूल मिल जाता है। थोड़ा पानी इसमें ऑलरेडी है, बाकी अभी जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड पीछे आप देखिए, ये सारे जो आपको ये फ्लैट्स दिख रहे हैं, ये फेज वन का पार्ट है। फेज वन like I told you is already delivered and occupied and ये काफी अच्छी society है, greenery काफी अच्छी मिल जाती है, landscape society का बहुत ही amazing है। phase 2 का part ये रहेगा and इसके अलावा project में gymnasium, yoga room, spa and sauna, guest bedrooms, open party hall, cafeteria जैसी facilities भी present रहेंगी। Guys, I am inside the actual apartment. This is a 3 BHK apartment in the size of 1560 square feet. This is the main entrance, and जैसे ही आप enter करेंगे, आप जाएंगे यहाँ के living and dining space में. That is your living space, which is very spacious. And here comes the dining area, guys. Living spaces are आपको मिल जाती है, बहुत ही शानदार बालकनी के साथ। देखिए सामने आपको व्यू कितना प्यारा मिल रहा है, पूरा आपका ग्रीन बेल्ट का यहाँ पर आपको व्यू मिल जाता है। There's abundance of greenery right in front of you and adjoining your dining space is your modular kitchen. किचन आपको कंप्लीट फॉर्म में दी जाएगी, दैट मीन्स जैसा आप मुझे वीडियो के दौरान देख रहे हैं, आप इसमें जो किचन में जो भी चीजें आप देख रहे हैं, ऑल दीज कैबिनेट्स, अपर एंड लोअर कैबिनेट्स, ये सारी चीजें आपको सेम इसी कंडीशन में दी जाएगी। हियर इज योर सेपरेट वेट एरिया जिसमें आपको ड्यूअल सिंक मिल रहा है
विद दैट बालकनी के साथ आपको यूटिलिटी एरिया भी मिल रहा है विच इज अगेन वेरी डिसेंट इन साइज. एंड गाइस इस पैसेज के थ्रू शुरू हो जाते हैं आपके तीनों बेडरूम्स. हियर कम्स आवर बेडरूम नंबर 1 जिसमें आपको मिल जाता है एक वार्डरोब. वार्डरोब्स आपकी फिटेड रहेंगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आपका रहेगा बालकनी एरिया. प्राइवेट बालकनी आपको यहाँ पर मिल जाती है. And guys, I am inside your bedroom number 2. यहाँ पर भी आपको वार्डरोब्स फिट करके दी जाएंगी. आपको इस बेडरूम में भी बालकनी एरिया दिया जाता है. बालकनी आपकी प्राइवेट रहेगी. विद दैट रूम साइजेस की भी मैं बात करूँ तो काफी डिसेंट आपको यहाँ पर साइजेस मिल जाते हैं. इन फैक्ट लोडिंग एरिया बहुत ही ज्यादा कम है इन अपार्टमेंट्स में. एंड साइज इज वेरी गुड जेन्युइनली. एंड यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाती है. अगेन आपकी वॉशरूम सारे टाइल वर्क के साथ आएगी. विद दैट सारे सैनिटरी फिटिंग्स की आपके सेम आज रहेंगे. एंड आई एम इन बेडरूम नंबर 3. दैट इज योर मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम इज वेरी ग्रैंड इन साइज. वुडन फ्लोरिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है. पीछे वॉलपेपर आपको मिल जाता है. विद दैट हियर इज योर वार्डरोब. वार्डरोब में भी आपको स्पेस बहुत अमेजिंग मिल जाता है. एंड मास्टर बेडरूम में ऑफ कोर्स आपको ये अटैच वॉशरूम मिल जाएगी. वॉशरूम आप देखिए टाइल वर्क के साथ आएगी. एंड सारी सैनिटरी फिटिंग आपकी कंप्लीट रहेगी. विद दैट हियर इज योर अटैच बालकनी विद योर मास्टर बेडरूम. अगेन आपको फ्रंट में ग्रीन व्यू मिल जाता है इस बालकनी से. सो गाइस दैट वाज द टूर ऑफ दिस वेरी स्पेशियस 3 BHK actual apartment. And guys, that was all about our today's project, Eros Sampoornam Secretary Mada Extension. आपको ये project कैसा लगा? Do tell us in the comment box. Guys, अगर video के दौरान कोई भी ऐसी information है जो कि शायद मैं cover नहीं कर पाई हूँ and आप वो जानना चाहते हैं तो अगर आप अपनी query comment कर सकते हैं. And since we are towards the end of this video, तो अब end में मैं आपको बताना चाहूँगी इस project की USPs. So guys, सबसे बड़ी USP तो यही है कि इसका phase 1 delivered है. That means आप builder की credibility पर भरोसा कर सकते हैं. Entire पूरे project का half part delivered है. Phase 1 is already delivered. 1/4 part इसका near to possession segment का है. And remaining 1/4 part is in the under construction stage, जिसमें आपको मिलेंगी major inventories, major units. एंड बिल्डर के हम जैसे रेपुटेशन की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एरोस ग्रुप इज अ वेरी रिनाउंड ग्रुप इन द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट. 80 इयर्स की लेगेसी है इनकी. पैन इंडिया ग्रुप है. गुड़गांव फरीदाबाद जैसी सिटीज में इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं. एंड कई सारे प्रोजेक्ट्स ये अपने सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं. एंड सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में ही नहीं बल्कि और सेक्टर्स में भी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है. गाइस प्रोजेक्ट की अगर मैं लोकेशन की भी बात करती हूँ, एरोस संपूर्णम की लोकेशन की बात करती हूँ, तो इट इज़ अ प्राइम लोकेशन ऑफ सेक्टर 2 नोएडा एक्सटेंशन. यहाँ से आपको स्कूल्स नज़दीक मिल जाते हैं. कनेक्टिविटी इज सुपर. सेंट्रल नोएडा यहाँ से हार्डली आपका 5 से 7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. एक मूर्ति गौर चौक दोनों आपके काफ़ी नज़दीक हैं. इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट भी आपका काफ़ी ज़्यादा लो रेंस प्रोजेक्ट है. एंड यहाँ पर आपके जो लेआउट्स हैं अपार्टमेंट्स के जो लेआउट्स हैं वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिल जाते हैं. वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पर जो लोडिंग एरिया है दैट इज़ वेरी लो. लोडिंग एरिया काफ़ी कम मिल रहा है. 18% का आपका लोडिंग एरिया है जो कि बहुत ही हार्डली आपको किसी प्रोजेक्ट में मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन एरियाज आपके काफ़ी अच्छे हैं. फेज 1 का आप ऑलरेडी ग्रीन एरिया देख चुके हो. काफ़ी अच्छी ग्रीनरी मिलेगी सो आप अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रख सकते हो. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज ऑल्सो अमेजिंग. एंड लास्टली प्राइसेस. प्राइसेस की भी मैं बात करती हूँ तो प्राइसेस इस सेक्टर के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हैं. इनफैक्ट इरोज के जस्ट सामने CRC जॉयस है जिसके करेंट रेट्स की मैं बात करूँ तो 11,000 का रेट वहाँ पर चल रहा है. वहीं अगर मैं एरोस ग्रुप के इस प्रोजेक्ट की बात करती हूँ, एरोस संपूर्णम की बात करती हूँ, तो यहाँ का करेंट रेट 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है. यस गाइज आपको 8,500 रुपये के रेट में एक प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी मिल रही है. मैक्सिमम BSP इज 9,000
पर स्क्वायर फीट तो आप एक रेट का डिफरेंस देख सकते हैं, काफी अच्छा अमाउंट आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आप बचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं अप्रिशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करती हूँ, तो बाय नेक्स्ट ईयर यहाँ के रेट्स आराम से 11,000 से 12,000 हो जाएंगे। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, देन दे कैन कंसिडर दिस प्रॉपर्टी। एंड अगर मैं पोजेशन की बात करती हूँ, तो जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तब तक यहाँ के रेट्स 14,000 से 15,000 पर स्क्वायर फीट हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स दोनों के लिए ही ये बहुत ही सही टाइम है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का। तो गाइस, अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इस सोसाइटी को आकर, इस प्रोजेक्ट को आकर विजिट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करना है। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एंड इस प्रोजेक्ट का टूर कराएगी, आपको सामने से सारी चीजें बताएंगी एंड आपकी हेल्प करेगी आपके होम बाइंग प्रोसेस में। एंड दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल Realty 360 Degree फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।